गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? मैं भी खुश हूँ और आप भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ आगे सीखना है ना मेरे से। तो हमने लेटर ए टू पी तक हम लर्न कर गए, यानी कि हमने सीख लिया है पी तक। पी फॉर लास्ट में पैरेंट तक हमने सीख लिया था। ठीक है, तो अब जो एन एन ओ पी जो लेटर लास्ट वीक में मैंने सिखाए, आपको सिखाया है ना, तो वो लास्ट लेटर जैसे कि फॉर लेटर है एन एन ओ पी, उसका आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन पेज नंबर 56। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कलर दिखा रहा है पिक्चर फॉर ईच लेटर। यहाँ पे देखो प्लीज एन एन ओ पी, और यहाँ पे पिक्चर दिया है, दो पिक्चर दिए है। एक लेटर के सामने टू ऑब्जेक्ट्स है, टू ऑब्जेक्ट्स में से आपको एक ऑब्जेक्ट को करेक्ट करना है। ठीक है, तो करेक्ट पिक्चर फॉर ईच लेटर। तो एम फॉर क्या आता है? एम फॉर मैंगो। देखो यहाँ पे मैंने आपके आंसर की बना दी है, एम फॉर मैंगो आएगा। ठीक है, तो आप वहां पे कलर करोगे, जैसे कि पिक में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एम फॉर मैंगो है, आपको एक को ही चुनना है, दो नहीं। यहाँ पे कौन दूसरा कौन सा लिया है, एक मैंगो है और एक एप्पल है, लेकिन एम फॉर मैंगो आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें कलर कर देना है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट एन, एन फॉर नट आता है, तो आपको नट और एन फॉर, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए, दो पिक्चर दिए, तो केक भी है और नट है, तो एन फॉर क्या आएगा, नट ये वाला आएगा, तो इसमें कलर करना है। ठीक है, फिर ओ, ओ फॉर ऑरेंज आता है, और ओ फॉर एग दिया है यहाँ पे, लेकिन एग को करना नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, ओ फॉर ऑरेंज में ही कलर करेंगे। ठीक है, ये वाला राइट है। लास्ट पी, तो पी फॉर आपको पता है कि पी फॉर पैरेट, नॉट ग्रेप्स, यहाँ पे ग्रेप्स दिया है और पैरेट दिया है, लेकिन करेक्ट लेटर वाइज कौन सा पिक्चर सही है, तो पी फॉर पैरेट। देखो मैंने यहाँ पे पी फॉर पैरेट, ओ फॉर ऑरेंज कंप्लीट करके आपको यहाँ पे दिया है, तो आप देख सकते हो एन फॉर मैंगो, एन फॉर नट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरेट, यही आपके सही आंसर है। तो आपको दोनों में कलर नहीं करने हैं, जो सही है लेटर के हिसाब से, जो सही है पिक्चर उसमें ही आपको कलर करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 56 नंबर का पेज रिवीजन की शीट, ये हाँ यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो अब लास्ट में हम नेक्स्ट देखेंगे जॉइंट की करेक्ट एंड कलर द पिक्चर। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे रिवीजन की शीट नेक्स्ट पेज नंबर 57। यहाँ पे एक बियर दिया है, देखो एक कार्टून है, टेडी बियर है, तो टेडी बियर में कौन सा लेटर है, ए टू जेड तक सारे लेटर यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, ए से लेटर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड लास्ट टाइम जेड तक आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करके इसका टेडी बियर बनाना है। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो मैं कैन टेडी बियर, और उसमें आपको क्या करना है, मैं टेडी बियर बना के भी कलर करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। ओके, एंड नेक्स्ट राइट व्हाट कम्स आफ्टर। अब ये सीखना है कि आपको इसमें समझ में आता है कि नहीं, तो चलो मैं आज यहाँ पे ये करती हूँ, राइट व्हाट कम्स आफ्टर। ओके, देखो तो यहाँ पे आई, यहाँ पे के दिया है। ठीक है, तो आई के सामने
लेटर लिखने हैं। यहाँ पे आई दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा जे, ओके। यहाँ पे के दिया है तो आई जे के एल, ठीक है, एल आएगा, आई जे के एल। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे क्या आएगा एन, ठीक है, एन 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 एन। जो लेटर आगे आते हैं उसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन सा लेटर अब आगे आएगा, ठीक है। तो एन के बाद एन आता है, फिर यहाँ पे ओ है, ओ लिखा है तो ओ के बाद कौन सा लेटर आता है, ओ पी, कौन सा लेटर, पी, ओके। अब यहां पे आपको जे दिया है तो जे के आगे का लेटर कौन सा होगा, के, ठीक है, कौन सा लेटर होगा, जे के। देखो यहां पे फिर से वन सेकेंड, आई जे के एल एम एन ओ पी जे के एल तो एल, यहां पे एल तो यहां पे क्या आएगा एन, ठीक है। फिर यहां पे मैं एक अभी कर देती हूँ लास्ट वाला एन, एन के सामने क्या है, कौन सा लेटर रहेगा, व्हाट कम्स आफ्टर लेटर, बोलो एन 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 एन, एन के आगे ओ, क्या है ओ, तो यहाँ पे लिख लीजिए हम ओ, ओके, हो गया। समझ में आ गया है, नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करो, ठीक है। देखो ये इतना तो समझ में आ गया होगा, जितने लेटर हमें एबीसीडी आएगी ए टू पी तक आएगा आपको तभी ये आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। आई जे के एल एन एन ओ पी जे के एल एन एन ओ, ओके। रिवीजन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है, फिर से आप क्या करोगे, घर पे बैठ के ये जो मैंने सिखाया उसको बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, ओके, तब भी आपको आएगा।